सबसे पहले तो वेलकम टू ग्लिट्स फिशन यूएसए, बोथ ऑफ यू, आप दोनों का ही स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्या कहना चाहेंगे, निशांत बहुत अच्छा कर रहे हैं और अब तक गेम में टिके हुए हैं, अच्छे से बने हुए हैं। और जैसा कि हमने देखा, जितने भी रिव्यूज भी आते हैं वो अक्सर ऐसा ही कहा जाता है कि बहुत डिग्निफाइड वे में खेल रहे हैं, बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। बिंग एंड पेरेंट्स कैसे देख रहे हैं आप लोग? अच्छा अच्छा ही लगता है और बहुत प्राउड फील कर रहा है कि बहुत अच्छी तरह अच्छा दिमाग चला के वो खेल रहे हैं और अच्छा लगता है। सर आप कुछ कहना चाहोगे? आपने गाना भी गाया था अभी रिसेंटली, जब एक निशांत झलक देखने को मिली थी। तो का गेम बहुत अच्छा लगता है, प्राउड लगता है हम लोग को कि उसका इच्छा थी बिग बॉस में जाने का। बिग बॉस में जाने के बाद में यहाँ तक पहुंचेगा फिर भी हम लोग को ये सपना ही लग रहा है, और आपके साथ में बात कर रहे हैं वो भी सपना ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ तक तो इसने आए तो बहुत प्राउड हम लोग को फील कर रहा है। जी बिल्कुल। आप दोनों से ही जानना चाहूंगी, अक्सर ऐसा होता है कि लड़की को विदा करते हैं तो इतनी लंबी जुदाई सहन नहीं पाते। 5 महीने हो गए ऑलमोस्ट, लाइक ओटीटी के बाद फिर जब मेन हाउस में भी गए, कैसे उनके बिना इतने लंबे समय तक कभी दूर रहे हैं आप लोग निशांत से? दूर तो रहने का नहीं, वैसे तो वो अपने आप ही स्ट्रगल करके रहता है, रहता है लेकिन फोन पे हमें रोज बात होती थी, तो अभी फोन ही नहीं है। 6 महीने हो गए, फोन ही नहीं है। फोन के जगह में 24 घंटा चौबीस घंटा हम उसको ओटीटी सामने देखता देखते रहेगा हैं, ऐसा लगता है तो घर में ही है घर में वो। ही। हाँ तो अच्छी अभी फील अभी होती है हमें, परसों बात करने के बाद एकदम प्राउड और फील हो गया। अच्छा लग रहा है। एंड हमने हमेशा देखा, लाइक ओटीटी के टाइम पे भी देखा था और ये घर में भी जब भी मौका उनको मिला है कभी फैमिली से या किसी के रिव्यू जानने का, तो बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेडली बोलते हैं कि मतलब उन्हें वो चीज नहीं जाननी है, उनको पूरा यकीन है कि वो क्या कर रहे हैं। तो वो कैसे देखते हो आप लोग, लाइक इतने स्ट्रॉन्ग हेडेड कभी आप लोगों को देख के आए थे वो घर के बाहर, जब जब पहले रियल लाइफ में कैसे रह रहे थे, ऐसे ऐसे वो थे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हेडेड? उसने जब अभी तक जो भी उसने स्ट्रगल किया अकेले नहीं किया अकेले है, ने किया है तो वो वो एकदम स्ट्रांग है स्ट्रांग हमें है। पता है। हमारा हम उसको हम सिर्फ उसको आशीर्वाद ही देते, बेटा तू जो कहेगा करेगा, सही करेगा, बस ऐसे हंसी खुशी अपनी जिंदगी करो। थोड़ा स्ट्रांग रहने के और इस दुनिया में स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से वो सेल्फ मेड हैं, एक तरीके की पर्सनालिटी उनकी है, जरूर जानना चाहूंगी घर के अंदर गेम के बीच में भी कई बार बहुत सारी चीजें हो जाती है, पर्सनली बोल जाते हैं, कोई उन्हें स्नेक बोलता है, कोई पर्सनली कुछ और भी बोल के चला जाता है। बिंग एंड पेरेंट्स डिस्टर्बिंग लगता है लाइक कभी कभी, कि ऐसे मतलब पीठ पीछे या मुंह पे भी कभी कभी कोई कोई बोल देते हैं तो? नहीं, वो तो बिग बॉस का गेम है, गेम में जैसा खेलेगा जैसे वो उधर आ जाता है गेम उसी तरह वो खेलता है, तो सामने वाला कुछ भी करे उसमें क्या है, खेल है ना बिग बॉस का, वो तो अंदर ही होने वाला है, बाहर आने के बाद ये सब तो होने वाला है ही नहीं, तो ठीक है अग्रीड, ना। हाँ बस और क्या बिल्कुल। चाहिए, वो सही जवाब दे देता है, वो हमें बहुत देख कर बहुत खुशी अभी होती है। जो भी है वो दिल से बोलता है तो सामने वाले को स्नैक लगता है, तो उनका हम क्या तो कर सकते? हम लोग क्या कर सकते हैं। गेम है, गेम के साथ में वो खेलता रहेगा, कोई मास्टरमाइंड बोलता है, कोई नारद बोलता है उसको, कोई जैसा चाणक्य बोलता उसका है, दिमाग अच्छा ही चलता है अच्छा तो वो दिमाग अच्छी है तरह ना, से खेल फिर भी लेता सब लोग उसके बारे में ही बात करते रहते हैं, वो है। क्या पकाएगा किधर घुमाएगा ये करेगा, वो तो सादा है, दिल साफ है उसका, लेकिन तुम लोग अभी सोचते हो कभी नाक बोलते हो फिर बोलते हो वो उल्का लुकआउट है, इसका थोड़ी लुकआउट है, कुछ नहीं, वो खेल रहा है अपना हिसाब से खेल रहा है, सही खेल रहा है, इसलिए तो 5 महीने तक अभी तक चल लास्ट रहे हैं, ब्लो अब तो बाकी है, कहीं भी गलती अग्री। नहीं, कहीं एंड गलत हमने नहीं। देखा था कि उनके जो एक गीता माँ है, लाइक गीता कपूर जी हाँ आई थी जब वीकेंड का वार पर, तो उन्होंने भी अपने रिव्यूज दिए, उन्होंने भी बताया कि भले दोस्त इतने ना हो लेकिन जब भी किसी को लो फील होता है या थोड़ा कोई अगर डिस्टर्ब्ड है तो सबसे पहले निशांत उन्हें हील करने जाते हैं, उनकी उनकी जो दिमाग है, उनका जो मनोस्थिति है उसे ठीक करने के लिए जाते हैं। तो क्या कहना चाहोगे इस चीज को लेकर, नहीं, वो उसका देख के बहुत बड़ा प्राउड फील होता है? बहुत प्राउड फील है, वो प्राउड उसका अच्छा स्वभाव है स्वभाव कि है। वो सबको संभाल के लेता है, अच्छी सोच देता है, कभी किसी को गलत नहीं बताता, गलत मार्गदर्शन नहीं करता, इसलिए वो सब देख के हमें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। जी बिल्कुल। ओटीटीएंस के उनके जो कुछ दोस्त है लाइक प्रतीक हो गए, शमिता हो गए, कैसे देखते हैं आप उनके साथ की जो बॉन्डिंग है आज भी बरकरार है? कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेके उन्हें फर्क पड़ता है, अगर कोई नाराज है, कोई अपसेट है किसी से तो?
नहीं अच्छी लगती है, हमें तीनों की दोस्ती बहुत अच्छी लगती है। तीनों अपने अपने सोच से खेलते हैं लेकिन रहते साथ में, ये देख के हमें बहुत अच्छा लगता है। वो तिगड़ी है ना, तिगड़ी, वो तीन का तिगड़ी है, वो वोटे से लेके यहाँ तक वो तीनों साथ में है, भले एक दूसरे को झगड़ते हैं, एक दूसरे को 1 मिनट भी दूर नहीं रह जाते, फिर भी आके शाम को बात करते हैं। अभी कल की बात है, वो झगड़ा हो गया, फिर भी समित आके उसको पिसला पिसला के बात करके वो एकदम इमोशनल हो गया था, ये भी इमोशनल हो गए थे, फिर भी शांत हो गया, फिर बाद में हो गया। ये क्या, वो लोग दोस्ती उनकी अंडरस्टैंडिंग है, वो तीनों का अंडरस्टैंडिंग है। अभी कुछ दिन पहले उनका एक इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ था, जहां पर मतलब उन्हें ये रियलाइज हुआ कि उन्होंने दोस्तों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन जब बारी आती है दोस्तों को अपना थोड़ा सा एक दिखाने की या प्रूफ करने की, तो वो टाइम पे वो अकेला सब उन्हें बिट्रे करते, धोखा देते हैं। वो जब रहेगा, राखी राखी और बिचुकले के सामने उनका जो इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ था, कैसे देखा आपने? क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है और वो जल्दी इमोशनल दिखाई नहीं देते कभी शो के अंदर। देखो इंसान है, इंसान के अंदर तो सुख दुख ये सब तो आते रहते ही फीलिंग तो है, होता ही और है। कभी ना कभी किसी को शेयर करने से वो कम ही हो जाता है, तो उसी तरह उसने अपना शेयर किया और अपना दुख को कम कर लिया। लेकिन वो अपने दिल से बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जो गलत होता है तो गलत होता ही है ना, तो उसे उस वजह से कुछ कर नहीं सकते, तो उसने वो सब हैंडल करके आगे जाना ही है, तो वो आगे चल रहा है। वो बिग बॉस के खेल में ऐसा होता ही है, तो उसमें ठीक है, हमारा बेटा स्ट्रांग है और स्ट्रांग ही रहेगा। ओके, लेकिन जैसे हमने देखा है प्रतीक और निशांत हमेशा से एक दूसरे का सपोर्ट बन के घर में रहे हैं। जो दिक्कत आया हमेशा कि लाइक अगर प्रतीक कहीं गलत भी जाते तो भी निशांत उनके स्टैंड को समझते, उनकी बातों को समझते। फिलहाल प्रतीक उनसे थोड़ा सा टेढ़े जाते दिख रहे हैं, मतलब लाइक उनको समझ नहीं पा रहे हैं। और इससे पहले भी एक बार वो बहुत बुरी तरह से निशांत पर चढ़ गए थे कि तुम मेरा नहीं सुन रहे, जब देवोलीना को बचाने की और ना बचाने की बारी आई थी। तो कैसे देखते हैं लाइक दोस्ती में अगर एक तरफ का इंसान ऐसे निभा रहा है, उनको समझ के ले रहा है, उनकी चीजें समझ रहा है, और दूसरा उनको बस वक्त वक्त पर उनको हर हमेशा परीक्षा ले रहा है, तो कैसे देखते हैं आप उस चीज वो को? उसका प्रतीक का स्वभाव ऐसा है, तो वो अपने दिमाग से अपने स्वभाव से वो चल रहा है, लेकिन निशांत अपने दोस्ती पे खरा ईमानदार है, वो अपने सच्चे दिल से अपनी दोस्ती निभा रहा है, उसे ये सब नहीं है। जो चल रहा है चलने दो उसको, वो बुरा नहीं सोचता है, उसका दिल साफ है। जो प्रतीक का दिल अपना है, प्रतीक की सोच अपनी है, तो दोस्ती दोस्ती जगह है, वो अंदर है ना, गेम के अंदर है, बिग बॉस के अंदर ही होने लगा, लेकिन बाहर आने के बाद दोनों अच्छे दोस्त ही रहने वाले, बड़ा भाई छोटा भाई, दोनों की छोटा दोस्ती भाई अच्छी है, रहती है। छोटा भाई बिगड़ेगा तो बड़ा भाई संभाल के लेगा ना, तो वैसा है वो लोग का, बाहर भी अच्छा रहेगा दोस्ती। बिल्कुल, जैसा कि आप लोग ने कहा कि आप लोग शो रेगुलर देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, जरूर जानना चाहूंगी। करण जो है उन्हें पता नहीं निशांत से दोस्ती इतनी अच्छी थी, लेकिन उन्हें प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं निशांत और तेजस्वी का जो एक बॉन्डिंग है, एक फ्रेंडशिप है उन लोगों की, घर के बाहर से भी थी और घर के अंदर अच्छी और हो गई। तो करण हमेशा उनके बारे में मिसकम्युनिकेट करते हैं कहीं भी जाकर, लाइक कल रात को भी हमने वही चीज देखी, जब वो शमिता से बात कर रहे थे तो उन्होंने निशांत को पोर्ट्रे किया, जबकि उनका ऐसा कोई इरादा ही नहीं था कि वो तेजस्वी के साथ में बिट्रे करे। तो कैसे देखते हैं आप उस चीज को, लाइक करण उनके दोस्त के जैसे लग रहे हैं आपको कैसे भी, जिस तरह से घर के बाहर वो एक दोस्ती बिग बॉस के घर में क्या कभी कुछ क्या होगा है कह नहीं सकते, तो वो सब अपने ट्रॉफी की तरफ देख रहे हैं, इसलिए अपने दिमाग को चला रहे हैं। अभी निशांत इतना अच्छी तरह खेल रहा है, आगे जाने का सब उसका चल रहा है, तो उसको लग रहा है कि ये मेरे आने वाला ही है, तो वो उसको ऐसा करके हर एक के दिमाग से निकालने की कोशिश कर रहा होगा, ये हमें पता नहीं है, खेल के लिए वो खेल रहा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। दोस्ती अपनी जगह पे है, वो बाहर आके निभा लेंगे, तो बिग बॉस के घर में ये सब चलता ही है। वो तो खेल है, बिल्कुल, खेल लेकिन नहीं, ऐसा लेकिन कुछ नहीं, वो थोड़े से पजेसिव है नहीं तेजस्वी को लेकर के, तो नहीं देखो लाइक हर एक के लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ होता ही रहता है ना, तो उनकी लाइफ है, जैसा सोचते हैं वैसा होता है उधर, अभी क्या करेंगे। लेकिन बिल्कुल हमें अपने बेटे पे नाज है, बेटे ने हमारा नाम रोशन किया है और बेटा अच्छी तरह खेल रहा है और वो ट्रॉफी लेके ही आएगा, ये हमें विश्वास है और हमारा उसको आशीर्वाद है। बिल्कुल। वेल, बिग बॉस का घर है तो एंटरटेनमेंट की बात तो डेफिनेटली होगी। निशांत तो एंटरटेन हमेशा से करते आए हैं, वो दिख कर भी आता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम ना निशांत ना जिसे आप एंजॉय करते हैं देखना, ऐसा ओटीटी में कोई अलग नहीं, उसके एंटरटेनमेंट हमें बहुत अच्छी लगती है, उसके डायलॉग बहुत अच्छे लगते हैं, वो क्या क्या सोचता है ये सब देख के हमें बहुत अच्छा ही लगता है। कभी बहू सास बना देता है,
कभी कुछ ना कुछ अपना आइडिया लगा के कभी दिन भर देखते तो उसको हमेशा उसका जो चल रहा है रहते तो हमें अच्छा लगता है ये, उसके लिए हम देखते ही है। कभी बाहुबली का ये शो लेता है, कभी कुछ ना कुछ करके वो एंटरटेनमेंट करता है, उसका सबको हंसाता है और हमें भी खुशी होती है, खुशी होती है और उसका मन एकदम खुला है, स्ट्रांग है, मन खुला है, कपट नहीं है, दूसरा क्या सोचता है वो भी नहीं सोचता है, वो अपना गेम खेल रहा है अपने हिसाब से, किधर गलत ना हो जाए। कभी सलमान सर कभी चिल्लाएंगे, सब लोग तो गाले चिल्ला के हो गया, लेकिन अभी तक निशांत को कुछ बोले नहीं, तो वो हिसाब से जैसा घोड़े को लगाम लगाएगा तो सीधा जाता है, उसी तरह वो अपना खेल पे फोकस रख के अच्छे से खेल लेता है। जी बिल्कुल, आप दोनों से ही आप दोनों के टॉप फाइव जानना चाहूंगी कि टॉप फाइव में किसे देखते हैं आप दोनों ही जन। हमारा ये कहना है कि सविता, प्रतीक, निशांत। निशांत तीन को ही देखे, पांच के हम ये टिकड़ी है, टिकड़ी है, टॉप टू बॉटम तक ये लोग तीन ही रहेंगे। वन डे से इनकी मेहनत, इनका खेल, इनका सोच, इनकी दोस्ती, ये सब देख के हमें बहुत अच्छी लगती है, तो हमको लगता है ये उधर जाने के लिए रिजर्व है, और ट्रॉफी कोई भी जीते लेकिन हमें लगता है हमारा बेटा ही जीते। अभी दस लोग, पांच लोग है, पांच लोग को हर लोग को भी लगता है कि मेरे को ट्रॉफी चाहिए। अभी जिसका नसीब में है वो मिलेगा, लेकिन माँ बाप का हक है कि मेरा बेटा जीते, ट्रॉफी लेके आए, ये तो हम लोग बोल रहे हैं, बस उतना ही है। बिल्कुल, और एक्सटेंशन की खबरें सामने आ रही है, इस चीज को लेकर अबिंग एंड पेरेंट्स आप लोग खुश है या नाराज है इस बात को लेकर, लाइक एक्सटेंड होने वाला है, ऐसी खबरें आ रही है कि फैब तक एक्सटेंड होगा, फैब एंड तक। जैसे परिस्थिति चल रही है उसी हिसाब से हो रहा है, जो होएगा वो अच्छा ही होगा, जो होगा वो अच्छा ही होगा, आए तो ट्रॉफी जीत के ही आए ना, फिर दो हो या चार हो, और क्या, खुशी की बात है ना। अभी देखो ऑडियंस की इतनी उसकी सपोर्टिंग है, सब अच्छा लगता है, वो अच्छा ऐसे ही प्यार करे, सब घर में भी निशांत का नाम लेते हैं, सब मतलब मेकर हो या ऑडियंस हो, सब लोग एकदम उसके ऊपर खुश है, ऐसे ही उनको आशीर्वाद देने दो, हम लोग यही चाहते हैं, लड़का आगे आवे, आप लोग का आशीर्वाद सब लोग का मिले, हम लोग यही चाहते हैं। और जितने भी उसको फैंस है उसके, उसको हम सब धन्यवाद धन्यवाद करते हैं है कि वो ऐसे ही प्यार करे, बाहर आने के बाद भी वो ऐसे ही प्यार करे। थैंक यू सो मच, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड फैंस के लिए अगर दोनों एक साथ कोई मैसेज देना चाहें। वही फैंस को कहना चाहते हैं धन्यवाद, और हमारे निशान को ऐसा ही सपोर्ट करे, बिग बॉस के घर में उसके वोट करे और उसको ट्रॉफी जिताने की मदद करे, बाहर आने के बाद भी उसे मदद करे और प्यार करे। अगले हफ्ते में वोटिंग है, वोटिंग थोड़ा सब लोग तुम लोग देखे उसको जिताओ जिताओ और सबका आशीर्वाद दो, आशीर्वाद यही हमारी तमन्ना। वो सादा है, मन का साफ है, वो हिसाब से आप लोग वोटिंग देके उसको जिताओ, और कुछ नहीं बोलेंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, थैंक यू, थैंक यू, बाय, थैंक यू, बाय। थैंक यू फॉर ऑल द लव, ग्लिट्स विजन पे आप लोग मुझे देख रहे हैं, आप हैं इसलिए मैं हूँ, थैंक यू सो मच।